प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। हम सब न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं। न्याय शास्त्र को पढ़ने का एक अलग ही महत्व है। न्याय शास्त्र को पढ़ना, समझना, उसकी प्रकृति अलग है, उसके लाभ अलग हैं। वो कितने ही लोगों को नीरस लग सकता है, कितने ही लोगों को जटिल लग सकता है, लेकिन न्याय शास्त्र का महत्व असाधारण है। और एक बार इसमें रस लग जाए तो फिर बहुत सारी बातें उसको तुच्छ जान पड़ती हैं। हम जो लोग न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं ना, वो बहुत बातें ऐसी करते हैं कि जो तुच्छ होती हैं, उनका कोई हेतु नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, बस चल रही है ऐसे ही धड़ल्ले से। लेकिन न्याय शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत नपातुला सोचता है, नपातुला बोलता है, उसके एक एक वाक्य का, एक एक शब्द का कोई महत्व होता है। इसलिए न्याय शास्त्र में उपयोग लगाने से प्रगाढ़ तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, गहरे सम्यक्त की प्राप्ति होती है। ये कोई तोता मैना का किस्सा नहीं। देखो कैसी बात है, न्याय शास्त्र में आप एक भी वाक्य बोलते हैं तो उसको प्रतिज्ञा कहा जाता है। कितनी बड़ी बात है, मुझे ये शब्द ही बहुत आंदोलित करता है। प्रतिज्ञा, मैंने कुछ भी कहा तो कहते हैं ये प्रतिज्ञा है, अब ये भंग नहीं होनी चाहिए, जो तुमने कहा है वही होना चाहिए। मैंने जो बोला, मैंने बोला कि पर्वत पर अग्नि है, मैंने बोला बारिश आएगी, मैंने बोला वहां जाऊंगा, वे आएंगे, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा, आपने मैं पढ़ूं, जो वाक्य आपने बोला ये आपकी प्रतिज्ञा है। और प्रतिज्ञा का निर्वाह बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये दोष है, बहुत बड़ा व्यभिचार है। प्राण जाए पर वचन न जाए। न्याय शास्त्र को समझने वाले इतने दृढ़, इतने मजबूत हो जाते हैं। तो भैया, न्याय शास्त्र को पढ़ना, समझना, ये कोई हो हल्ला का, भीड़ का, भेड़ चाल का काम नहीं है। इसमें विरले जीव आते हैं, विरले जीव टिकते हैं, विरलों को इसका रस लगता है। लेकिन जब एक बार इसका रस लग जाता है तो बस वो यही है, सार मिल जाता है, फिर असार की तरफ का आकर्षण सारा समाप्त हो जाता है। तो हम सब ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं मित्रों, और उस न्याय शास्त्र में भी आप्त का विषय, और वो भी आप्त परीक्षा के आधार से। मैं सोचता हूं कि कोई बहुत बड़ा भाग्योदय होगा जिसे आप्त परीक्षा से संपर्क हो रहा है। महाभाग्य का किसी का उदय होगा, उसे आप्त परीक्षा का समागम प्राप्त होता है। ये आप्त परीक्षा बड़े ही निष्पक्ष भाव से, तर्क से, युक्ति से, न्याय नीति से, कौन आप्त है, कौन नहीं, किस
क्या आपका स्वरूप है, इस पर बहुत ही शांति से, धैर्य से, तर्क युक्ति हेतु से विचार कर रही है। तो इस आप्त परीक्षा में अभी तक हमने महेश्वर परीक्षा का प्रकरण पढ़ा, उसके बाद सुगत परीक्षा का प्रकरण पढ़ा, उसके बाद कपिल परीक्षा पढ़ी, उसके बाद परम पुरुष अर्थात ब्रह्म परीक्षा पढ़ी और अब अर्हत परीक्षा का प्रकरण प्रारंभ हो गया है। अपन ज्यादातर विद्यार्थी जैन दर्शन के हैं, तो अब ये अपने घर की परीक्षा हो रही है, अपने घर की परख हो रही है कि हम कितने गहरे पानी में हैं, हमारी बात कैसी है। इसलिए ये और भी ज्यादा ध्यान देकर समझने योग्य विषय है। अर्हत परीक्षा, ये प्रकरण करीब 35 कारिकाओं में चलेगा। अर्हत परीक्षा का प्रकरण करीब करीब 35-36 कारिकाएं इसमें आई है और 35-36 कारिकाओं में से भी पहले 24 कारिकाएं तो अर्हत सर्वज्ञ सिद्धि की आई है, फिर 5-6 कारिकाएं अर्हत कर्म भूभृत भेतृत्व सिद्धि की आई है और फिर 5-6 कारिकाएं मोक्ष मार्ग नेतृत्व सिद्धि की आई। 3 गुण है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम 1 गुण, भेत्तारम कर्म भूव्रताम 2 गुण और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम ये 3 गुण। 3 गुण आप्त के अनिवार्य है, असाधारण गुण है ये। ये असाधारण शब्द का प्रयोग हुआ है, ये बहुत खास बात है। इत्यसाधारणम प्रोक्तम, ये असाधारण गुण है आप्त के 3। नंबर 1 मोक्ष मार्ग नेतृत्व, नंबर 2 कर्म भूव्रत भेतृत्व और नंबर 3 विश्व तत्व ज्ञातृत्व। 3 प्रकरण है, उनसे अर्हत परीक्षा की जा रही है और उसमें भी अब जो अभी हमारा सबसे पहला प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण का नाम है अर्हत सर्वज्ञ सिद्धि। अर्हत परीक्षा में पहली कारिका भूमिका की और उसके तुरंत बाद में 23 कारिकाएं लगातार आ रही हैं और वे लगातार 23 कारिकाएं हमको अर्हत सर्वज्ञ सिद्धि। मैंने पिछली बार ये बता दिया था कि अरहत शब्द क्या है, अरहन क्या है, अरहंत क्या है, अरिहंत क्या है, अरहंत क्या है और इन शब्दों का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा हम पिछली बार कर चुके। स्वाध्यायी लोगों को इसका भी थोड़ा विवेक होना आवश्यक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सर्वज्ञ सिद्धि पर मैंने आपको 2 लेख भी ग्रुप पर भेजे थे, आपने उनको पढ़ा होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं प्रकरण शुरू करने से पहले, अरहंत भगवान की सर्वज्ञता को समझना अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल दार्शनिक विषय नहीं है, ये केवल शास्त्रार्थ का विषय नहीं है, ये केवल इतनी सी बात नहीं है कि कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं है और अरहत ही सर्वज्ञ है, ये इतना सा विषय नहीं है मित्रों। इसके साथ में पूरा मोक्ष मार्ग जुड़ा है, इसके साथ हमारा आत्मज्ञान जुड़ा है। क्योंकि देखो, जो सर्वज्ञता को समझेगा वो आत्मा के स्वरूप को समझेगा और जो सर्वज्ञता को नहीं समझने का मतलब है आत्मा के स्वरूप को भी नहीं समझना। क्योंकि देखो, सर्वज्ञता आत्मा का स्वभाव है,
आत्मा का एक गुण है। अगर हमने सर्वज्ञता नहीं समझी तो आप ऐसा मत समझो कि हमने किसी दूसरे सर्वज्ञ को नहीं समझा। आप वो आपने आदिनाथ भगवान महावीर भगवान की सर्वज्ञता पढ़ रहे हैं ये टॉपिक मत समझ लेना आप खाली कि हम उनको हम आदिनाथ भगवान को सर्वज्ञ समझ। ये आत्मा के अनंत धर्म है, अनंत स्वभाव है, उनमें से एक स्वभाव का नाम है सर्वज्ञता। और यदि हमने सर्वज्ञता नहीं समझी तो इसका अर्थ ये होगा कि हमने स्वयं को नहीं जाना, हमने आत्मा को नहीं जाना। 24 तीर्थंकरों को नहीं जाना वो अर्थ नहीं है अकेला, हमने स्वयं को नहीं पहचाना ये अर्थ इसमें से निकलेगा। इसलिए बहुत युक्ति से शांति से इस विषय को समझना है, चिंतन करना है, खूब गहराई से पढ़ना है। सर्वज्ञ हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, आपको पक्ष में विपक्ष में सब तरह जा करके सोचना है गहराई से, तभी ये सब बातें पकड़ में आएंगी। और नहीं तो ये रह जाएगा टॉपिक आग्रह रख कर नहीं, बहुत अनाग्रही भाव से, सूक्ष्म प्रज्ञा से, तर्क युक्ति से इस विषय पर चिंतन करना है। क्योंकि देखो एक और जरा सी इंपॉर्टेंट बात, ऐसी चर्चा दार्शनिकों में बहुत उठी। बड़े बड़े दार्शनिकों ने ये कहा कि सर्वज्ञ होने की क्या जरूरत है। कई दर्शन सर्वज्ञ को नहीं मानते हैं, मीमांसा दर्शन सर्वज्ञ को नहीं मानता, बौद्ध दर्शन सर्वज्ञ को नहीं मानता। और क्या कहता है वो, कहता है जैसे बौद्ध दर्शन कहता है कि सर्वज्ञ होने की जरूरत ही क्या है, हमें अनंत सुख चाहिए ना, हमें मुक्ति चाहिए, हमें संसार के दुखों से मुक्ति चाहिए, तो इसके लिए सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, हमें उन सबको जानने से क्या तेल निकलेगा, हमको क्या फायदा है, हम परमाणु परमाणु की, अनादिकाल की, एक एक पदार्थ की, अनंत भूतकालीन पर्याय, अनंत भविष्यकालीन पर्याय, उन सबको जाने, इसकी कोई ना बोले ये उपयोगी है ना ये व्यावहारिक है। ऐसे कई दार्शनिकों ने इसका बहुत पुरजोर खंडन किया। वो कहते हैं बौद्ध दर्शन में एक वाक्य आता है कि आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति की प्राप्ति कहो, सुख शांति के लिए, कुछ भी कहो, आत्मज्ञ होना जरूरी है, सर्वज्ञ होना जरूरी नहीं है। वो कहते हैं आत्मज्ञ होना चाहिए ना। अब कहां बात को घसीट के ले गए, मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, हम संसार में क्यों भटक रहे हैं, क्योंकि हम आत्मों को नहीं जान। 100 समस्याओं की एक ही जड़ है कि हम आत्मों को नहीं जानते। तो जब तक जिनवाणी जिन जैन शास्त्र कोई विद्वान आत्मा को जानो ये उपदेश दे वो तो ठीक है, आत्मज्ञ कोई आत्मज्ञ होना ही सुख शांति के लिए जरूरी है और वही पर्याप्त है, सर्वज्ञ होने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं। आत्महित के लिए आत्महित आत्मज्ञ होना, आत्मज्ञ होना पर्याप्त है, जरूरी है, सर्वज्ञ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सर्वज्ञ होना कुछ कहते हैं ये व्यावहारिक भी नहीं है। अरे अनंत पदार्थ, उनके अनंत पूर्ववर्ती पर्याय, अनंत उत्तरवर्ती पर्याय, इन सबको भला कोई कैसे जानेगा, ये व्यावहारिक भी नहीं है, संभव भी नहीं है, ऐसी बात करते हैं। और एक और तर्क चलता है दर्शन जगत में, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो तर्क ये चलता है
कि भाई शब्दों को मत पकड़ो, आत्मज्ञ को ही सर्वज्ञ कहने की ये शैली है, ये पद्धति है। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, ये एक पैटर्न है, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार एक आत्मा है। इसलिए शास्त्रों में ये जो बात कही गई है कि आत्मा सर्वज्ञ हो जाता है, ये बात को तुम अभिधा रूप मत समझो। समझ में आया? वो कहते हैं आप इसको अभिधा अर्थ में मत ग्रहण करो कि ऐसे ही है, सकल द्रव्य के गुण अनंत। आप है ना बिल्कुल वहां लकीर के फकीर मत बनो। इसको मुहावरे की भाषा में कहें तो लकीर के फकीर बनना, ये सबको जानता है, तुमने समझ लिया सबको जानता है। अरे सबको जानने का मतलब है कि जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, कर लिया ना काम, हो गया ना। आत्म कल्याण के लिए आत्मा 100 शास्त्र पढ़े और आपने आत्मा को नहीं जाना तो कहते हैं आपने कुछ नहीं पढ़ा, और आपने 1 भी शास्त्र नहीं पढ़ा और आत्मा को जाना तो आपको कहा जाता है कि आपने आत्मा को जान लिया। तो ये एक बहुत गहरी विवक्षा, और इसके कई कई संकेत शास्त्रों में भी मिल जाते हैं। जैसे श्रुत केवली का मिलता है कि जो आत्मा को जाने वो श्रुत केवली है। जो जैसे नियम सार में गाथा मिलती है, केवली भगवान पर को जानते ही नहीं स्वयं को ही जानते हैं। क्या क्या, मैं आप सब न्याय शास्त्र के बहुत सावधानी से सुनने वाले विद्वान साथी हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये सारी बातें आपके चिंतन को उद्बुद्ध करने के लिए, आपके चिंतन को गहरा करने के लिए, और बहुत शांति से किसी के कहने से मत मानो। देखो न्याय शास्त्र पढ़ने का एक फायदा है कि हमको किसी के कहने से नहीं मानना है, हमारी स्वयं समझ में आनी चाहिए। मुझे पंडित टोडरमल जी का एक शब्द बहुत आकर्षित करता है, बहुत ज्यादा। कोई मेरे से पूछे कि पंडित टोडरमल जी का सबसे बड़ा योगदान आपकी नजर में क्या है, तो मैं कहूंगा कि उनका सबसे बड़ा योगदान है भाव भाषण। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है जगह जगह, भाव भाषण। आपको उस चीज का भाव स्वयं भाषित होता है तो बात करो। वो किसको कहाँ लिखा है, किसने, आप लोग पढ़ भी लेते हैं, पढ़ा भी लेते हैं उस विषय पर, PhD भी कर लेते हैं उस पर, लेक्चर देना आसान है, लेकिन उसका हृदयंगम करना, उसे हृदयंगम करना, अपने हृदय में उतार लेना, उसे जचा लेना, उसका भाव भाषण हो जाना बिना किसी कोई तरह के दबाव के, यही न्याय शास्त्र का प्रयोजन है। और इस प्रयोजन को हम सब ध्यान रखें और बहुत गहराई से इस प्रयोजन में सफल हों, यही मेरी भावना है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा अर्हत परीक्षा की गाथाएं प्रारंभ करता हूँ। देखो हमने 1-2 कारिकाएं पिछली बार पढ़ ली थी, वहीं से आगे बढ़ाते हैं, कारिका पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 48, कारिका नंबर 87 नंबर की कारिका पेज नंबर 48 पर आप्त परीक्षा में है। आप सब अपनी अपनी पुस्तक पर देखें, शुभम जी स्क्रीन पर लगाएंगे अभी। देखो, सो अरहन्ने मुनीन्द्राणां वंद्य समवतिष्ठते तत्सद्भावे प्रमाणस्य निर्बाधस्य विनिश्चयात्। सो अरहन्नेव, वह अरिहंत ही मुनीन्द्राणां वंद्य, मुनीन्द्रों का वंदनीय समवतिष्ठते। मुझे तो ये एक ही लाइन बहुत अच्छी लगती है,
सो अरहन्ने मुनीन्द्राणां वंद्य समवतिष्ठते। समवतिष्ठते शब्द में जो जान है ना, वो मैं हिंदी के कोई भी शब्द बोलूं आपको, वो बल मैं नहीं बता सकता। समवतिष्ठते का अनुवाद मैं कर नहीं सकता, कोई कर सकता हो तो बताना मेरे को कि क्या हो सकता है। समवतिष्ठते का क्या अनुवाद है? संस्थापित, उसे सम्यक प्रकार से स्थापित। अर्यंत ही मुनीन्द्रों के द्वारा वंदनीय सिद्ध होते हैं। तिष्ठते ही नहीं, अवतिष्ठते, अवतिष्ठते ही नहीं, दो दो उपसर्ग लगाए। संसिद्धि, कैसी गजब गजब के प्रयोग विशेषण लगा लगा करके कर रहे हैं। और क्यों है अर्यंत ही वंदनीय? कैसी गजब की बात आई, अरिहंत ही वंदनीय सिद्ध होता है, अरिहंत ही वंदनीय समवतिष्ठता है। तो कैसे समवसरण बनाए ना वही वही उसी तरह का है। उसके होने पर निर्बाध प्रमाण का निश्चय हो जाने से, क्योंकि प्रमाण के द्वारा अरिहंत की वंदनीयता निर्बाध रूप से निश्चित हो जाती है। ये पहली कारी का 87वीं का अर्थ था। अब 88 नंबर की कारी का, ये दो कारिकाएं हमने पढ़ ली थी इसलिए उनको जल्दी पढ़ देता हूं। ततोन्तरित तत्वानि प्रत्यक्षाण्यर्हतोंजसा प्रमेयत्वाद्यतास्माद्रे प्रत्यक्षार्था सुनिश्चिता। अब क्या कारण है देखो, ततो क्योंकि या इसलिए, अंतरित तत्वानि प्रत्यक्षाणि अर्हतः, अरहंत भगवान के अंजसा, अंजसा मैंने एकदम निर्मल, विशद, विशद का पर्यायवाची आता है अंजसा, विशद एक अरिहंत भगवान, अरहतः, अरहतः माने षष्ठी एक वचन, अरहंत भगवान के एकदम प्रत्यक्ष है। क्या अंतरित तत्व क्यों है प्रत्यक्ष? हाउ यू कैन से? तो वो कह रहे प्रमेयत्वात्, प्रमेय होने के कारण। ये बहुत जबरदस्त है। आप कैसे कह सकते हो कि उनके सारे पदार्थ प्रत्यक्ष हैं? तो कहते हैं प्रमेयत्वात्, प्रमेय होने के कारण। अब ये प्रमेयत्वात् पर 8 कारिकाएं आने वाली है। ये प्रमेयत्वात् बहुत बड़ा हेतु पकड़ा है। आप्त परीक्षा में दूसरे ढंग से सर्वज्ञ सिद्धि की है। वहां तो दोषावरण योर हानि निश्चेषास्त्यति सायनात्, वहां अतिसायन हेतु से सर्वज्ञ सिद्धि की है। आपको देखो दो मजबूत तर्क आ गए के, लेकिन ये उस हेतु पर अभी नहीं जा रहे हैं, जाएंगे, आगे जाएंगे, लेकिन पहले प्रमेयत्वात् हेतु से सर्वज्ञता सिद्ध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सब तीन लोक के सभी अंतरित तत्व भी प्रमेय है। और अंतरित का अर्थ मैं बता चुका आपको, परोक्ष। अंतरित माने पर, दुनिया के सारे पदार्थों को दो भागों में बांट लो, एक प्रत्यक्ष एक परोक्ष। प्रत्यक्ष तो वे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, परोक्ष वे हैं जो सूक्ष्म है, अंतरित है दूरव, क्षेत्र से अंतरित, काल से अंतरित और स्वभाव से अंतरित। तीन प्रकार के जो पदार्थ हैं वे परोक्ष हैं। तो फिर परोक्ष के ये इसलिए तीन भेद भी होते हैं, स्वभावांतरित, कालांतरित और क्षेत्रांतरित। तो ऐसे करके वो सब अंतरित पदार्थ अरिहंत भगवान के प्रत्यक्ष होते हैं। अगली कारिका, हे तोर्ना व्यभिचारोत्र दूरार्थैर्मंदरादिभिः
सूक्ष्मैर्वा परमाण्वाद्यै तेषां पक्षीकृतत्वतः। देखो कि यहां पर जो दूरवर्ती पदार्थ हैं, सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनके साथ में कोई व्यभिचार नहीं आ रहा है, वो छूटे नहीं है। व्यभिचार का मतलब वो छूटे नहीं, वो भी अंतरित में शामिल हो गए। मैंने पिछली बार इसका बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण कर दिया था, इसलिए अभी ज्यादा नहीं बोलता हूं। बात इतनी सी है कि जो परोक्ष पदार्थ के तीन भेद हैं, एक दृष्टि से कहते हैं सूक्ष्म, अंतरित, दूरवर्ती, ऐसे करते हैं। तो वहां डाउट होता है कि सूक्ष्म और दूरवर्ती को छोड़ दिया क्या? अब हम ऐसा करते हैं, एक अंतरित माने ही तीनों लेते हैं। अंतरित शब्द में तीनों आ गए, सूक्ष्म भी, अंतरित भी और दूरवर्ती भी, तीनों उसमें आ गए। पक्षीकृतत्वत, तीनों को हमने पक्षीकृत कर लिया है, पक्ष में गर्भित कर लिया है। जो सूक्ष्म परमाणु आदि पदार्थ हैं उनको भी, और जो मंदर आदि माने सुमेरु आदि दूरवर्ती पदार्थ हैं उनको भी हमने सबको यहाँ पर अपने अंतरित पक्ष में ग्रहण कर लिया है। आप चिंता मत करना है, जैसे अपन बोलते हैं ना कभी कभी, घबराना मत, मैंने अंतरित कहा है तो दूरवर्ती सूक्ष्मवर्ती छूटे नहीं है, वो उसमें मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, गर्भित कर लिए हैं, ये कहने का मतलब है। कारिका नंबर 90। तत्वान्यंतरितानि हैं देशकाल स्वभावतः धर्मादीनि हि साध्यन्ते प्रत्यक्षाणि जिनेशिनः जिनेशिनः 6/1 जिनेश के, जिनेन्द्र भगवान के सारे तत्व, सारे तत्व माने पदार्थ, तत्व पदार्थ। ये भी एक प्रश्न आया किसी का कि कभी द्रव्य बोलते हैं, कभी तत्व बोलते हैं, कभी पदार्थ बोलते हैं, क्या फर्क है? एक ही बात है, फर्क नहीं है। बात को करते समय अलग अपेक्षा चल रही हो तो संज्ञा अलग हो जाती है, जब अलग अपेक्षा से बात करते हैं तो संज्ञा बदल जाती है। जैन दर्शन में किसी भी वस्तु का वर्णन करना हो तो एक क्राइटेरिया है, पूर्ण निरूपण करना किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु का पूर्ण निरूपण तब होता है जब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों से बात कह दी जाए। जैसे कोई तस्वीर लगाते हैं हम दीवार पर, तो वो चारों तरफ से लगाओ तो रुकती है, नहीं तो रुकती नहीं है। ऐसी जैन दर्शन चारों तरफ से कसता है। तो ये जगत कैसा है, जब जैन आचार्य समझाने लगे तो उन्होंने जब द्रव्य अपेक्षा इस जगत का स्वरूप समझाया तो 6 द्रव्य का कथन हो गया, जब क्षेत्र अपेक्षा समझाया तो 5 अस्तिकाय का कथन हो गया, जब काल अपेक्षा समझाया तो 9 पदार्थ का कथन हो गया, और जब भाव अपेक्षा समझाया तो 7 तत्व का कथन हो गया। तब बात पूरी हुई, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से ये वर्णन है और कोई बात नहीं है। तो कह रहे हैं कि जितने भी धर्मादि तत्व, अब देखो कोई कहे धर्म द्रव्य लिखना चाहिए, विद्यानंदी आचार्य को इतना नहीं आता था क्या? धर्म तत्व लिखा है, धर्म द्रव्य लिखना चाहिए, लेकिन धर्मादि द्रव्य सब जगह लिखा होता है, लेकिन यहाँ लिखा धर्मादि तत्वों को। अरे तो ठीक है, यही तो उदारता सीखनी है, बातों को छल ग्रहण नहीं करना है, कहाँ किस अपेक्षा से क्या कथन किया जा रहा है वो बात समझनी चाहिए। एक ही वाक्य के, मैं आज बता रहा था अपने एक विद्वान मित्र को, सुन रहे होंगे हमारे साथ जगदीश जी, मैं उनको कह रहा था कि कोई भी एक वाक्य लिखो आप कागज पर और उसके नीचे मैं उसके 100 अर्थ लिख दूंगा,
नैगमने से अलग, संग्रहने से अलग, व्यवहारने से अलग, अभिधा से अलग, लक्षणा से अलग, व्यंजना से अलग, उसमें भी एक एक के बहुत भेद है। अभिधा कई तरह की, लक्षणा कई तरह की, नए भी नैगम ने में भी भूत नैगमने से अलग, भावी नैगमने से अलग, विवक्षाएं निक्षेपों से। एक कोई भी एक वाक्य आप मुझे लिख कर दो, मैं उसके 100 अर्थ कर सकता हूं, और उन 100 अर्थों में से जो एक अर्थ होता है वो प्रकृत होता है, वो सही होता है, उसे ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, आप गलत हो जाएंगे। मतलब तो देव तत्वान्यंतरितानि देश काल स्वभावतः धर्मादीनि हि साध्यन्ते प्रत्यक्षाणि जिनेसिना। जिनेन्द्र भगवान के धर्मादि तत्व जो कि अंतरित हैं, धर्मादि तत्व कैसे हैं, हम पुद्गल तो हमें फिर भी दिखाई देता है काफी कुछ, लेकिन पर पुद्गल में भी परमाणु आदि नहीं दिखते, बहुत पुद्गल नहीं दिखता, अनेक स्कंद नहीं दिखते, बहुत बड़ा हो तो भी नहीं दिखता, चाक्षुष बनने के लिए बहुत बड़े महा स्कंद भी हमें नहीं दिखाई देते और परमाणु भी नहीं दिखाई देता, वो सब अंतरित है। तो धर्मादि भी अंतरित है, धर्मादि अंतरित तत्व वे सब जिन्हें जो कि देश काल स्वभाव, तीन लगा दिए, देश माने क्षेत्रवर्ती, कालवर्ती और स्वभाव, तीन तरह के परोक्ष पदार्थ होते हैं। कुछ क्षेत्र की अपेक्षा होते हैं, देश माने क्षेत्र, जैसे सुमेरु पर्वत है वो क्षेत्र या देश की अपेक्षा से अंतरित है। जो राम रावण आदि हुए वे काल की अपेक्षा से अंतरित है, और स्वभाव परमाणु आदि है वे स्वभाव की अपेक्षा से अंतरित है, लेकिन ये सब जिनेन्द्र भगवान के प्रत्यक्ष हैं, अरहंत जिनेश के प्रत्यक्ष है। अब देखो ये सब कितना संतुलित बोल, जब हम न्याय शास्त्र पढ़ते हैं तो जरा भी झलक नहीं आनी चाहिए पक्ष पर। अभी मैंने बोल दिया ना, जिनेन्द्र भगवान के प्रत्यक्ष होते हैं, ये कई पक्षपात झलक, भाषा भी बड़ी वो होती है न्याय शास्त्र में। अभी से तुम कैसे प्रभावित हो गए, अर्हत के ऊपर एक वचन में बात करते हैं, जब रिसर्च करते हैं तो पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषक, मुझे वीर में और महावीर और कपिल में, महावीर जी नहीं बोलेंगे, महावीर भगवान नहीं बोलेंगे, बोला तो गए काम से, तू न्याय का विद्यार्थी नहीं। कैसे देखो कितना सावधानी से न्याय शास्त्र पढ़ना पढ़ाना होता है। अगली कारिका, न च अस्मादृक् समक्षाणाम एवं अर्हत समक्षता न सिद्धेति मंतव्यम अविवादाद्वयोरपि। देखो क्या कहा इस कारिका में, पहले दो वाक्य सुनो ध्यान से। पहले ऐसे कहा था कि अंतरित पदार्थ अरहंत भगवान के प्रत्यक्ष है। देखो ये लिखा ना अरहत समक्षता, समक्ष माने क्या होता है, एक तो कुछ शब्दों को डायरी में नोट कर लेना चाहिए, कई न्याय अपने आप में कठिन होता, ऊपर से शब्द और कभी कभी दिक्कत करते हैं, जैसे तर्क की बजाय ऊह आ जाएगा। अब यहाँ समक्ष लिखा है ना, अरहत समक्षता, समक्ष माने, समक्ष माने प्रत्यक्ष। ऐसे ही कहीं अध्यक्ष शब्द आएगा तो अध्यक्ष माने क्या, अब हमको आज की भाषा में हमको अभ्यास पड़ा हुआ है, जैसे कोई सभा का प्रेसिडेंट हो, हम तो अध्यक्ष माने वो समझ रहे हैं, यहाँ वो अर्थ नहीं है, यहाँ अध्यक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष। अध्यक्ष, प्रत्यक्ष, समक्ष, ये सब पर्यायवाची हैं। तो पहले एक वाक्य बोला उन्होंने कि अरहंत भगवान के अंतरित पदार्थ प्रत्यक्ष हैं, तो प्रतिवाद किया, प्रतिवादी ने कहा, देखो ये प्रतिज्ञा हो गई, जो बोल रहा है इसको वादी कहते हैं, ये सब थोड़ा अभ्यास होना चाहिए।
अरहंत भगवान के सभी पदार्थ प्रत्यक्ष हैं, ये प्रतिज्ञा थी। तो वो प्रतिवादी कह रहे हैं कि आपने तो कहा था सभी प्रत्यक्ष हैं और अब कह रहे हो कि अंतरित प्रत्यक्ष है। तो आपने अंतरित कहा तो पहले तो अंतरित में ही बहुत कुछ छूट गया, दूरवर्ती छूट गए महाराज, सूक्ष्म छूट गए महाराज। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने उनको गर्भित कर लिया। तो वो समझाया, फिर बाद में वो कह रहा है साहब ठीक है आपने परोक्ष परोक्ष सारे गर्भित कर लिए, लेकिन आपने तो कहा था ना अस्मादृक, हमारी इसी तरह, आपने तो उदाहरण अपना बनाया था ना, तो फिर आपने प्रत्यक्ष पदार्थों को क्यों छोड़ दिया? मुझे ये घड़ी दिख रही है, पेन पेंसिल, किताबें दिख रही है, टेबल दिख रही है, आपने ये तो अंतरित नहीं है ना, और ये तो अरंत भगवान के, ये तो अरंत के प्रत्यक्ष नहीं हुए। फिर तो वो छूट गए साहब, प्रत्यक्ष छूट गए। तो उसका उत्तर इसी 91 नंबर की कारिका में दिया गया है, न च अस्मादृक समक्षाणाम, समक्षाणाम माने प्रत्यक्षाणाम, जो हमें प्रत्यक्ष पदार्थ है उनके अरहंत समक्षता नहीं सिद्ध होगी, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा ग्रहण मत, ये छल ग्रहण मत करना। हमने उनकी बात इसलिए नहीं करी, अविवादात द्वयोरपि, देखो कितना बड़े, न सिद्धेत इति न मंतव्यम, क्यों? अविवादात द्वयोरपि, क्योंकि वो जो प्रत्यक्ष पदार्थ है उनमें तो न मुझे विवाद है न तुम्हें विवाद है, वादी प्रतिवादी प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष जानते हैं अर्हत, इसमें किसको कहां कोई विवाद है, लेकिन अंतरित में विवाद था इसलिए हमने केवल अंतरित कहे। अब कारिका नंबर 92, न च सिद्धं प्रमेयत्वं कार्त्स्नितो भागतोऽपि वा सर्वथाप्यप्रमेयस्य पदार्थस्य व्यवस्थिते। बहुत ही बढ़िया कारिकाएं हैं, जिनको थोड़ा बहुत संस्कृत आती हो, इन कारिकाओं में जो आनंद है, जो इस भाषा का लहजा है, जो टोन है, जो जो भाव है, वो अनुवाद में आता नहीं है। ये बात आप समझ लो, आपको सबको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अनुवाद हमारी मजबूरी हुआ करती है। जो बात जिस भाषा में कहता है वादी, वो बात उसी भाषा में जो आता है, उसका जो उसकी जो भंगिमा बनती है वो अलग बनती है। न च सिद्धं प्रमेयत्व, अब हेतु पर बात हो गई, शुरू हो गई। अभी किस पे बात हो रही थी? कि आपने जो धर्मी बनाया वो तो अधूरा बनाया, अंतरित बनाया, अंतरित में वो छूट गए, फिर प्रत्यक्ष छूट गए, ऐसे करके अब तक तो धर्मी के पीछे पड़ा था। अब कह रहा है महाराज हेतु गलत दे दिया, लेकिन आपने अब हेतु पर बात होगी। हेतु क्या दिया था? प्रमेयत्वात्। हेतु क्या दिया था? प्रमेयत्वात्। तो कह रहे लेकिन आपने ये हेतु गलत दे दिया साहब। तो उसका उत्तर अब शुरू हो रहा है, नहीं हेतु भी गलत नहीं है। हमने क्या हेतु दिया था? कि जितने भी पदार्थ हैं प्रत्यक्ष परोक्ष लोक के सभी, वे सब प्रमेय हैं, प्रमेयत्वात्। प्रमेय माने समझ गए ना, प्रमेय माने प्रमाण का विषय। खूब हो चुका है खुलासा, अब ये थोड़ी थोड़ी बातें नहीं बतानी पड़नी चाहिए। ज्ञेय ज्ञान का विषय। तो तीन लोक के सभी प्रत्यक्ष परोक्ष पदार्थ वे प्रमेय हैं। न च असिद्धम, ये बात असिद्ध नहीं है, ये बात पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्रमेयत्व हेतु हमने दिया है, हमारा जो पक्ष था वो गलत नहीं था। पहले पक्ष की बात थी, पक्ष और धर्मी एक ही बात है। पक्ष कोई धर्मी कोई पक्ष इति यावत, ऐसा परीक्षा मुख में सूत्र है।
तो उसकी चर्चा हो गई। अब हेतु की बात, कैसे अनुमान लगाया जाता है, देखो तो सही कि प्रमेयत्व हेतु वो असिद्ध नहीं है। कैसे असिद्ध नहीं है? कार्त्स्न तो भागतोपि वा, पूर्णतया असिद्ध भी नहीं है और आंशिक असिद्ध भी नहीं है। दो तरह से अशुद्ध होता है, पूर्ण असिद्ध और आंशिक। तो बोले ना वो कार्त्स्न, कार्त्स्न माने कृत्स्न शब्द से कार्त्स्न, कृत्स्नम कृत्स्नम जगत त्रयमिदं प्रकटी करोसि, आता है ना भक्तांबर कृत्स्नम दीपो पर, कृत्स्न माने संपूर्ण पूरी तरह। तो कृत्स्न से ही कार्त्स्न तो पूर्णतः, इसको मैं बदल कर सरल करने की कोशिश करूं तो पूर्णतः भाग तो, भाग तो माने भाग का मतलब अंश, न वो पूर्णतया असिद्ध है न वो आंशिक रूप से असिद्ध है। क्यों? क्योंकि जो सर्वथा प्रमेय पदार्थ है वो तो कहीं दुनिया में है ही नहीं। देखो कारिका में दिखाई देना चाहिए आपको, न च सिद्धं प्रमेयत्व, प्रमेयत्व असिद्ध नहीं है। कार्त्स्न तो भाग तो पिवा, न पूरी तरह न आंशिक रूप से। क्यों नहीं है? सर्वथाप्य प्रमेयस्य, तीन शब्द एक सीट पर बैठे हैं, सर्वथा अपि अप्रमेयस्य। अब देखो ये प्रमेय दिख रहा है लेकिन है अप्रमेय। जरा सी संस्कृत पढ़ने वालों की दृष्टि बहुत बारीक हो जाती है, वो पैना देखना शुरू करते हैं। उनको किताबें, लोगों को मोटे मोटे दिखते ही नहीं है जो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं ना, उनको कुछ दिखता नहीं, मात्र भत्र जाने क्या पढ़ते हैं अपनी कल्पना से। लेकिन संस्कृत वालों को बिल्कुल बहुत बारीक होता है, जरा सा डंडा डला होता है ना, जरा सा हलंत है कि नहीं है, जरा सी बिंदी भी दिखती है उनको। सर्व तो चक्षु मतलब दृष्टि बहुत विकसित हो जाती है उनकी पैनी। सर्वतापि अप्रमेयस्य पदार्थस्य अव्यवस्थिते, कि जो सर्वता अप्रमेय पदार्थ है उसकी तो कोई अवस्थिति नहीं है। अव्यवस्थित का अर्थ यहाँ क्या है? अव्यवस्थित का अर्थ जो हम आज समझते हैं ना, हमारे हमको शब्दों में से शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्मादि गच्छति, हमको शब्द ब्रह्म का ज्ञान होगा तो हम परम ब्रह्म पकड़ पाएंगे। व्यवस्थित शब्द का अर्थ स्थित ही है। कोई भी पदार्थ जो सर्वथा अप्रमेय हो वो इस लोक में स्थित ही नहीं है। अव्यवस्थित है माने स्थित नहीं है। अब अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित है का क्या अर्थ समझेंगे? अव्यवस्थित है इसका अर्थ हुआ स्थित नहीं है। कैसे नहीं है? अगली कारिका का बहुत आनंददायी, यदि षड् भी प्रमाणैः स्यात् सर्वज्ञ केन वार्यते इति ब्रुवन्न शेषार्थ प्रमेयत्वम् इहेच्छति। क्या कहा? देखो ये खासकर मीमांसकों को लक्ष्य करके कारिका है, 93 नंबर की कारिका मीमांसकों को लक्ष्य करके मुख्य रूप से कही जा रही है। मीमांसक यदि कोई ऐसा कहे कि साहब आपने प्रमेयत्वात हेतु दिया वो ठीक नहीं है, क्योंकि तीन लोक के सभी पदार्थ प्रमेय नहीं है, ओ आप गलत कह रहे हैं, आपका प्रमेयत्वात हेतु गलत है, तो उनसे कहा गया कि भैया तुम्ही तो ये कहते हो कि छह प्रमाणों के द्वारा कोई किसी भी पदार्थ को जान सकता है। मीमांसा दर्शन में छह प्रमाण माने गए हैं, हमारे यहाँ दो प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष, उनके यहाँ ऐसे दो नहीं माने, उनके यहाँ प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम, अब ऐसे छह प्रमाण माने हैं। और वो ये कहते हैं कि इन छह प्रमाणों के द्वारा, अभी उनके छहों के नाम और खुलासा आएगा इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा हूं, कि
छह प्रमाणों से कोई व्यक्ति सब कुछ जान सकता है। तो बोले तुमने ये कहा, इससे सिद्ध हो गया कि सभी पदार्थों में प्रमेयत्व है। वो भले किसी से भी जाना जान सके ना, हम बहुत से कितने मीमांसकों में एक मत मीमांसकी और ये कहते हैं कि अगली कारिका में वो बात फिर आ रही है, उस कारिका पढ़ के बताता हूं। चोदना तश्च निशेष पदार्थ ज्ञान संभवे सिद्धम मंतरितार्थानाम प्रमेयत्वम समक्षवत। अब देखो ये समक्ष माने क्या, प्रत्यक्ष। चोदना तश्च, चोदना शब्द का अर्थ होता है वेद, वो अतः लगाया से, वेद से निशेष पदार्थ का ज्ञान संभव है। देखो क्या कहते हैं वो, उनके यहाँ एक पंक्ति है मीमांसा के, चोदना ही भूतम भवंतम भविष्यंतम अर्थम अवगमयतुम समर्थम, के वेद ही सारे भूत भविष्यवर्ती सभी इस पदार्थों को जानने में समर्थ वेद है। तो जैन आचार्य कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि छह प्रमाणों से अगर सब चीजों को जानी जा सकती है, तो इससे भी सिद्ध हो गया कि सभी पदार्थों में प्रमेयत्व पाया जाता है, सिद्ध हो गया। हम क्या, अगर वे प्रमेयत्व नहीं होते तो उनको छह प्रमाणों से भी नहीं जाना जा सकता था। ऐसे ही तुम कह रहे हो कि वेद से संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान संभव है, लिखा ना चोदना तश्च निशेष पदार्थ ज्ञान संभवे, वेद से निशेष पदार्थों का ज्ञान संभव है। तो इससे भी सिद्धम अंतरितार्थानां प्रमेयत्वम, इससे भी अंतरित पदार्थों का प्रमेयत्व पना सिद्ध हो गया समक्षवत, प्रत्यक्ष की तरह, गजब हो गया। माने तो इस तरह से हमने जो हेतु दिया था प्रमेयत्वात, हमारा वो हेतु भी गलत नहीं था। समझ में आ रहा है ना सबके, किसी को कुछ पूछना है आगे बढ़ू मैं? देखो अगली 95 नंबर की कारिका पढ़ते हैं, देखो क्या बढ़िया बात है। यन्नार्हत समक्षम तन न प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण चल रहा है भैया, ये भव का अभाव करना कोई मजाक काम नहीं है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाना ये कोई मजाक नहीं है, ऐसे ही नहीं होती है। इसके लिए बहुत शांति से समीचीन पुरुषार्थ करना पड़ता है, तभी जाके बात ऐसे नहीं है कि बस हो जाएगा बाबा वाक्यम प्रमाण, ऐसे नहीं बेड़ा पार होता, बात को शांति से समझनी पड़ती है। यही काम न्याय शास्त्र कर रहे हैं, देखो क्या बढ़िया बात। यन्नार्हतः समक्षम तन न प्रमेयम बहिर्गतः मिथ्यैकान्ततो यथेत्येवं व्यतिरेकोऽपि निश्चितः। कितना बढ़िया कहा, यन्नार्हतः, इसमें भी तीन शब्द एक सीट पर बैठे हैं, यत न अरहतः, अरहतः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अरहंत के जो न, यत माने जो, न माने नहीं, अरहतः माने अरहंत के, जो अरहंत के नहीं है, क्या नहीं है, समक्षम, जो अरहंत भगवान के प्रत्यक्ष नहीं है, तन न प्रमेयम, वो प्रमेय नहीं है, बहिर्गतः, कैसे कि जो उसके प्रमेय से जो बाहर है, जो अप्रमेय, प्रमेय से बाहर है मतलब जो अप्रमेय है। जैसे क्या है अप्रमेय, क्या है कि जैसे मिथ्या एकांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब इसे समझाने के लिए थोड़ा परिश्रम समय अलग लगाना पड़ेगा कि अप्रमेय क्या है,
बोले मिथ्या एकांत है वो अप्रमेय है, ये गजब की बात है। यथा इत्येवम् इस प्रकार से व्यतिरेकोपि निश्चिता, व्यतिरेक भी निश्चित है, माने जो हमने हेतु बनाया उस हेतु का अन्वय भी घटा के बताया। देखो चीज की परीक्षा सावधानी से कर रहे हैं, हमने सोना सही ले लिया पर कसौटी गलत ले ली तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। कसौटी सही ले ली और सोना गलत ले लिया तो भी हमको ये सोना है सिद्ध होने के लिए वो सोना हो वो कसौटी हो, और सोना भी है कसौटी भी है लेकिन वो सर्राफ नहीं है जो इस बात को पहचान सके तो भी ये सिद्ध नहीं होगा कि ये स्वर्ण है, ये स्वर्ण है। ये हो गई प्रतिज्ञा। अब इस प्रतिज्ञा को इसको सिद्ध करने के लिए कसौटी भी सही चाहिए, स्वर्ण भी सही होना चाहिए और सर्राफ चाहिए वो दृष्टि वाला, तब जाकर के। तो बहुत सारी बातें है। यन्नारहतः समक्षं तन् न प्रमेयं बहिर्गतः मिथ्यैकान्तो यथेत्येवं व्यतिरेकोपि निश्चितः। अगली कारिका पढ़ते हैं। सुनिश्चितान्वयाधेतो प्रसिद्ध व्यतिरेकतः ज्ञातार्हं विश्वतत्त्वानां एवं सिद्धेदवादितः। सुनिश्चित अन्वयात हेतु, हेतु क्या है षष्ठी एक वचन हेतु का, अन्वयात अन्वय हेतु के अन्वय का सुनिश्चित हो जाने से, सुनिश्चितान्वयात हेतु, हेतु का अन्वय सुनिश्चित हो गया भली भांति निश्चित। हमने हेतु को अन्वय रूप से लगा दिया, आपको बता दिया प्रसिद्ध व्यतिरेकता, और व्यतिरेक भी उसका भली भांति सिद्ध। अब यहाँ प्रसिद्ध माने ऐसे नहीं मेरा फोटो अखबारों में छप रहा है, मैं बहुत फेमस हो गया क्या, सब शब्दों के अर्थ बदल दिए हमने, हमको ख्याति प्रसिद्धि दूसरे जाने उसका जाने क्या क्या। अरे प्रसिद्ध हमने अन्वय भी सुनिश्चित कर दिया, व्यतिरेक भी प्रसिद्ध, प्रकृष्टेन सिद्धम प्रसिद्धम, ज्ञाता अरहन कर्ता बनाया, अरहंत का ज्ञाता है, किसका ज्ञाता है विश्व तत्वानाम, विश्व तत्वों का ज्ञाता है। अब ये विश्व तत्व लिखा ना कोई दिक्कत नहीं है, विश्व द्रव्याणाम विश्व पदार्थानाम विश्व पंचास्तिकायान विश्वास्तिकायानाम विश्व सताम इच्छी को नाना प्रकार से कही जाती है, विश्व तत्वों के अर्थ ज्ञाता है। कैसे एवं सिद्धेत इस प्रकार सिद्ध होते हैं अबाधित है। अब देखो सिद्धेत अबाधित में से ए निकालना पड़ेगा नहीं तो मीनिंग बदल जाएगा, कहां बाधित और कहां अबाधित, कहना चाह रहे हैं अबाधित, छपाने में जरा चूक कर दी, जैसे सिद्धेत में पहला दे हलंत लगा हुआ है, अगर बाद का दे भी हलंत छोड़ देते ना तो सत्यानाश हो जाता। शास्त्रों को छपाना वो कोई मजाक काम नहीं है भैया, सिद्धेत अबाधित, अबाधित रूप से अरहंत विश्व तत्वों के ज्ञा, क्या अर्थ हुआ 96वीं कारिका का के अरहंत विश्व तत्वों के ज्ञाता अबाधित रूप से सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हमने हेतु का अन्वय भी सुनिश्चित करके दिखा दिया और उसका व्यतिरेक भी सुनिश्चित करके दिखा दिया। अगली कारिका प्रत्यक्षम अपरिच्छिन्दन 97 नंबर की कारिका, प्रत्यक्षम अपरिच्छिन्दत त्रिकालम भुवनत्रयम् रहितं विश्वतत्त्वज्ञै नहि तद्बाधकं भवेत्। देखो अब क्या बात कही जा रही है,
अब फिर एक ट्रैक चेंज होगा, मैं आपको जरा सा इशारा भर कर देता हूं, अब क्या बात चलेगी। प्रत्यक्षम अपरिचिन्दत, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष को, अपरिचिन्दत, अपरिचिन्द, परिचिन्द माने होता है जानना, और अपरिचित माने नहीं जानना। जानने के बहुत सारे शब्द चलते हैं, ज्ञा धातु माने जानना, और ज्ञा के लिए बहुत सारे दूसरे दूसरे वेद शब्द का भी प्रयोग चलता है, विदति, विद, विद, वेद, वैद, संवेदन, परिवेदन, ये सब भी जानने। ऐसे ही परिचित्ति, परिचित्ति माने भी ज्ञप्ति। प्रत्यक्षम अपरिचिन्दत, प्रत्यक्ष को नहीं जानते हुए। त्रिकालम भुवनत्रयम, तीन काल तीन लोक, त्रिकालम भुवनत्रयम, तीन काल तीन लोक को प्रत्यक्ष न जानते हुए। रहितम विश्व तत्वज्ञई, विश्व तत्वज्ञों के द्वारा रहित, नहीं तद बाधकम भवेत। अब क्या, विश्व तत्वज्ञों के द्वारा तीन काल तीन लोक में प्रत्यक्ष से न जानी हुई कोई वस्तु नहीं है ये, और इसका कोई बाधक भी नहीं है। तद बाधकम, नहीं तद बाधकम भवेत, न विश्व तत्वज्ञ में न छुपा हुआ है, नहीं तद बाधकम भवेत, कि उसका कोई बाधक प्रमाण नहीं है। क्या ट्रैक आ रहा है अब ये आ रहा है कि उन्होंने सिद्ध किया 96वीं कारिका तक कि अरहत सर्वज्ञ है, पक्ष भी सही है, उसका हेतु भी सही है, उसका अन्वय भी लगा है, व्यतिरेक भी लगा है, कुछ छूटा भी नहीं है, ऐसे तरह तरह से उसको सिद्ध किया। लेकिन अब 97वीं कारिका से कह रहे हैं, चलो ठीक है, तुम सिद्ध करो कि सर्वज्ञ नहीं होता है। देखो कैसे, कि तुम सिद्ध करो कि सर्वज्ञ नहीं होता है, गजब की बात है, ये भी बहुत खास बात है कि सर्वज्ञ का कोई बाधक प्रमाण बताओ तुम। सर्वज्ञ सिद्धि को दो भागों में जो बांटा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले शुरू शुरू में मैं बहुत सोचा करता था कि सर्वज्ञ सिद्धि को दो भागों में क्यों बांटा, पहले सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि करते हैं, बाद में विशेष करते हैं, ऐसे क्यों। लेकिन बाद में मुझे बहुत समझ में आया कि इसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य है। रहस्य यही है कि बहुत से लोग ये जिद करके बैठे हैं कि सर्वज्ञ होता ही नहीं है, और बिल्कुल उनके कान पर जू नहीं रेंगती, कुछ सुनने राजी नहीं है, बात करने नहीं होता, नहीं होता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं, 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 ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे ऐसे करते ही जाते, कुछ सुनने राजी नहीं होते। तो उनको एक चांस दिया है कि तुम सिद्ध करो कि सर्वज्ञ नहीं है, चलो चलो हम चुप, तुम सर्वज्ञ नहीं होता, हम सिद्ध कर रहे थे कि सर्वज्ञ है, अब हम चुप बैठते हैं। हो सकता है ना कि हम गलत हों, देखो ये कलेजा चाहिए, हो सकता है, ये बहुत बड़े कलेजे वाला कह सकता है कि हो सकता है भैया मैं गलत हूं, हो सकता है मैंने गलत सर्वज्ञ सिद्धि की हो, मेरी बात गलत हो सकती है, और मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल नए सिरे से सोचूंगा, तुम मुझे समझाओ, मैं तुमको नहीं समझा पाया, अब अपना विड्रॉ करता हूं, तुम मुझे समझाओ कि सर्वज्ञ नहीं है, तुम सिद्ध करो। तो अब ये 97वीं कारिका से ये ट्रैक शुरू हो रहा है कि तुम सिद्ध करो कि कोई बाधक है क्या, और अलग अलग प्रमाणों से ये आएगा कि प्रत्यक्ष से, अनुमान से, तुम कोई भी तरह से सिद्ध करो, पर सिद्ध करो कि सर्वज्ञ नहीं होता है, सिद्ध करो, तुम करो, कैसे भी करो, इतना सुनने का जिसका हृदय हो वो न्याय शास्त्र पढ़ सकता है। तो अभी का हमारा समय हो गया है, इसलिए आगे की कारिकाएं हम अगली कक्षा में करेंगे।
ठीक है। बहुत सुंदर और सरल सहजता से हम सभी भाई साहब से अभी इन कार्यक्रमों का चर्चा सुन रहे थे। आशीष जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, बोलिए आशीष जी। जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र, बोलिए साहब। सर एक मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कारिका का मतलब श्लोक ही होता है क्या सर? क्या क्या कारिका का मतलब? श्लोक होता है सर? हाँ समझ लो, स्थूल अपेक्षा से कारिका और श्लोक को एक ही बात समझ लो, लेकिन जो थोड़ा सा अंतर है वो ये है, श्लोक तो सामान्य नाम है, वो सब सब तरह के श्लोकों को श्लोक कहते हैं साहित्य में, अलग अलग तरह के अलग, कारिका कहकर उसको स्पेसिफाई कर दिया, न्याय शास्त्र में कारिकाएं होती है, ये मतलब है। सर ये अलग माने तरह का जैसे देखो, डिस्टिंक्शन पुरुष तो पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है तो पुरुष है, लेकिन वो मेरा भाई है, तो कहते हैं ना पुरुष मत बोलो, भाई बोलो, माने रिश्ता, क्या उसके साथ में रिश्ता जुड़ा, कारिका शब्द के साथ में, श्लोक के साथ में उसका वो भाव भी जुड़ा हुआ है कि यह न्याय की चीज है। सर, इसमें कुछ छंद प्रणाली अलग होती है सर कारिका में? क्या क्या चीज? कुछ छंद प्रणाली अलग होती है सर, इसकी मात्राएं नहीं वगैरह नहीं कुछ? छंद नहीं, छंद पढ़ने का वही कारिका और अनुष्टुप श्लोक का समान मात्रा है, समान छंद है, समान लय है, वो व्यवस्था में कोई अंतर नहीं है। मैंने बताया ना व्यक्ति वही है, लेकिन हम रिश्ता होता है तो समधीजी बोलते हैं, फिर ऐसे नहीं बोलते। सर हाँ मान लो हमारा किसी से रिश्ता है तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि क्यों रमेश जी, रमेश जी नहीं बोलेंगे, क्यों ब्याई जी, क्यों समधी जी, ऐसे ही ये कारिका हमारी रिश्तेदारी है न्याय शास्त्र का, इसलिए कारिका ऐसा बोलते हैं। द्रव्य छेद काल भाव लिए थे सर, तो हाँ द्रव्य में तो 6 द्रव्य आ जाएंगे, छेद बराबर में 5 अस्थिकाएं आ जाएंगी, बराबर। और सर काल में 9 पदार्थ आ जाएंगे, हाँ और सर और भाव में। भाव, भाव में 7 तत्व। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र पंडित जी यू। साहब। जय जिनेन्द्र, बोलिए। पंडित जी साहब, ये जो टॉपिक है शायद आप आगे लेंगे क्या, मिथ्या एकांत? मिथ्या एकांत ऊपर बताया कि वे प्रमेय नहीं है, हाँ तो अभी आप, मिथ्या एकांत प्रमेय नहीं है क्योंकि वे असत हैं, क्योंकि उनका वे उनकी सत्ता नहीं है, कल्पनाएं हैं। वे कल्पना भी नहीं है, वो तो कल्पना हो तो फिर सत हो गया। अच्छा ये बात जरा सी बारीक है कि मिथ्या एकांत असत है। अभी आप अगली बार की क्लास में थोड़ा सा इसको हाँ लीजिए ठीक है, सर। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, जय जिनेंद्र हाँ जी। ठीक है, जय जिनेंद्र। ध्रुव, हाँ बोलिए। हाँ भाई साहब, जय जिनेंद्र भाई साहब। भाई जय जिनेंद्र, बोलिए। हाँ साहब, मेरा प्रश्न ये था, संस्कृत संबंधी प्रश्न था भाई साहब मेरा। बोलिए। जो 96 नंबर की गाथा में तद्धेतुर ने जो शब्द आया था भाई साहब, 96 नंबर की कारिका में क्या आया है? तद्धेतुर्न हाँ बराबर। हाँ हेतु, तो सर उसमें भाई साहब, उसमें जो हेतु है तो उसमें हा का दा किस मतलब उससे होता है, सूत्र से, व्याकरण अरे अपेक्षा से। ये तो व्याकरण का नियम है, सामान्य नियम है, हकार का दकार होता है पद्धति में, होता है कि नहीं? पदहति है, पद जमा हति, पद माने पैरों से, हति माने जो कूट कूट के बन जाती है पगडंडी, वो पद, और फिर दकार के कारण हकार का धकार हो जाता है, समान वर्ण हो जाता है ना, समान वर्ग में चला जाता है, इसलिए वहां पर दकार का धकार हो गया, व्यंजन जी संधि। बात अच्छा। हाँ, संयम। जैनिन पंडित साहब,
जिनेंद्र बोलिए। मेरा ये प्रश्न है, आपने बीच में ये बोला था अतिशायन हेतु, हाँ, तो उसका मतलब क्या है? अतिशायन हेतु का मतलब है घटना बढ़ना, हानि वृद्धि। चंद्रमा रोज एक सा नहीं रहता, घटता है बढ़ता है, इसको हानि वृद्धि को अतिशायन कहते हैं। रागादि की हानि वृद्धि होती है, ये वहां पर आत्मीमांसा में हेतु बनाया अतिशायनात्, लेकिन यहाँ पर प्रमेयत्वात हेतु बनाया जी। हाँ, बहुत बहुत तो मैं 10-15 मिनट पहले कह रहा था कि किसी को कुछ पूछना है क्या, कोई पूछता तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से खुलासा कर देता ना चीजों को सब। मैं 15 मिनट पहले इसलिए थोड़ा टोकता हूँ कि किसी को कुछ पूछना हो तो समय मिल जाए। मुझे लगा कि आज पूछने वाले नहीं है तो मैंने अपना समय ले लिया पूरा। चलो कोई बात नहीं, आपके प्रश्न में ध्यान रखूंगा और अगली बार कुछ। अतिशायन बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछी है आपने। अतिशायन का अर्थ है जैसे जैसे ज्ञान आदि बढ़ते हैं तैसे तैसे राग आदि घटते हैं। एक तरफ वृद्धि एक तरफ हानि। जैसे सोने में जैसे जैसे शुद्धि दो वैसे वैसे उसकी मलिनता दूर होती है, वैसा अभिप्राय है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, और हम अगले सप्ताह पुनः रविवार के दिन भाई साहब का लाभ लेंगे। अभी हम संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति करते हैं। बहुत जवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत तिम लो। जल जिनवाणी माता की जय।